अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशनल ग्लोब। एक बार फिर आपके साथ हाजिर है ससम रमज़ान एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ सुबह एक वीडियो शेयर की थी, ये जो आपको वीडियो में लड़का नज़र आ रहा है इसका नाम सदाम है, सदाम जूनियर जो, और ये जो है वो IB के गेट पे जो आज सुबह खड़ा हुआ था और दूसरे कैंडिडेट्स को कह रहा था कि भाई आए मेरा साथ दें और हम जो है वो इनकी जो इनके जो एरर्स हैं उनकी हम जो है ग्रेस मार्क्स लें, ठीक है। तो इसने इस वीडियो में कहा है कि भाई IBS सखर जो है वो नहीं मान रहा कि ये हमारे पेपर्स हैं, मतलब वो कह रहा है कि ये हमारे पेपर्स हैं ही नहीं। IBS सखर ये कह रहे हैं, ठीक है। पहले तो कह रहे थे कि भाई यहाँ गलतियाँ नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले ही उन्होंने कहा था, क्योंकि इन्होंने एक प्रेस रिलीज की थी उसमें ये इन्होंने कहा था। लेकिन इस लड़के ने जो है वो सदाम ने इसको कोई कैंडिडेट जो है वो मिला जिसके पास ओरिजिनल पेपर था 21 डेट का, ये कह रहा था कि वो पेपर मैंने इनको दिखाया और उसमें 10 मिस्टेक्स निकली हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं मान रहे कि भाई ये पेपर्स आपके नहीं हैं, तो भाई सारे कैंडिडेट को याद है सारा पेपर, अगर जिस डेट का जिसने भी कैंडिडेट जो है पेपर दिया है तो उसको याद है कि भाई कौन कौन सा कौन कौन से सवाल थे उसमें, तो ये उनके ही पेपर्स हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो भाई आप अपने जो है वो ओरिजिनल पेपर्स जो हैं वो अपने वेबसाइट पे अपलोड करें, मंजरेआम पे लाएं, ताकि हम भी देखेंगे भाई कौन कौन से आपके पेपर्स हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई हमें हुकूमत मना कर रही है, मना क्यों करेगी भाई हुकूमत, अगर आपने आपकी गलतियाँ नहीं है तो भाई आप मंजरेआम पे लाएँ। गलत वो जो नहीं दिखाता है, जो बात को छुपाता है तो वही गलत होता है, ठीक है। तो अभी हम इसकी वीडियो सुनते हैं, साथ में अरबाब आरी जो भी इसके पास साथ जो है खड़े हुए हैं, और दूसरे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जो है लोग कैंडिडेट्स आए हुए हैं, और ये जो है वो सदाम लड़का कौन सी बात कर रहा है इसकी बात हम सुनते हैं, ठीक है। इसी साहब से उन्होंने बोला था आप सारे जो है ना एविडेंसेस ले आए, आप जो है ना सिंथेक्स बुक बोर्ड्स की जो जितने भी चैप्टर्स हैं, पेजेस नंबर हैं, मार्क्स जो जहाँ पे आपका एरर से आप ले आओ, क्वेश्चंस भी ले आओ, हर चीज़ ले आओ, हम आपको बताएंगे देंगे इंशाल्लाह। हम ले आए उसी वक्त उन्होंने देख के बोले ये तो हमारा एक भी नहीं है। बाद में हमारे साथ अल्लाह की जो है ना मदद हुई है कि एक ऐसा स्टूडेंट है रत्ते देव का जो 21 तारीख को आया है, जिसने टेस्ट किया है, वो ओरिजिनल पेपर अपने साथ लेके गया है, भूल में इन्वेजिलेटरों ने भी कलेक्ट नहीं किया है, और उसने मुझसे रब्ता किया और उसने मुझे ओरिजिनल पेपर दिया, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 10 से ज़्यादा गलतियाँ हैं, और हमने सारे सबूत निकाल के रखे हैं यहाँ पे। ये सारे कैंडिडेट्स पूरी सिंध से आए हैं, कोई घोटकी से आया है, कोई लारकाना से आया है, कोई कराची से, कोई दादू से, सेवन से, अभी इससे डबल या इससे 100 गुना ज़्यादा और आ रहे हैं, रातें हो रहे हैं, क्योंकि लोग सारा बिजी हैं, मजबूर हैं, सारे प्राइवेटों में काम करें, बच्चियाँ आई थी जो 4-5, वो हमारे पास फुटेज है, हमारे कोई भी मीडिया हमारे पास नहीं आ रहा है, कोई भी सोशल मीडिया वाला जो है हम वीडियो लगा रहे हैं वो वहाँ से मिटाया जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम पूरी पूरी पाकिस्तान को आवाज़ दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ, हमारे पास सबूत है, हम हक की बात कर रहे हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट को नहीं बोल रहे हैं, हमारे ये सारे काबिल एहतराम है, हम किसी को नहीं बोल रहे, आए हमारे साथ इंसाफ करें, नहीं तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ सारे जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, कैंडिडेट्स हमें चाहिए, कैंडिडेट्स यहाँ पे जमा होंगे, हमारी ये बातें सुनेंगे, क्योंकि उस दिन हमने VC को बोला था कि हमारे पास 500 बंदा खड़ा है, उन्होंने जल्दी जल्दी हमारी चीजें ली, हमारे साथ बातें की। अभी बच्चे क्या है, हम हमारा मुतालबा ये है कि जो जो आपकी गलतियां हैं, जो जो आपकी गलतियां हैं हमें उस पर ग्रेस मार्क्स दें, या एक एक इंडिविजुअल हमारी जो डेट पे टेस्टिंग हुई है उस पर हमने जो सबूत लाए हैं, पेपर लाया है, क्वेश्चन लाया है, वो हमारे साथ जाएं, हमारे साथ बैठे, अपनी टीम बनाएं, प्रोफेसर्स बुलाएं, एक टेबल टॉक होगी उसमें हम प्रूफ करें, हमारा हक बने, अल्लाह के वास्ते हमें मार्क्स दो, एक मार्क की वजह से 10-10 हज़ार बंदा फेल है, और ये बिल्कुल नाइंसाफी है, हम यहाँ पे जान दे देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हम यहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि ये हमारी एजुकेशन का बात है, ये पूरी सिंध के करियर की बात है, जनरेशन की बात है, हमारी सिंध पहले से ही तबाह है, हम और मजीद मदद तबाह नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम बिलावल भुट्टो जदई साहब को एप्लीकेशन दी है, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बात पे नोटिस करें, खुशी शाह साहब को दी है वो भी नोटिस करें, CM साहब भी नोटिस करें कि IBS सखर ने बहुत ज्यादा मिस्टेक की है, वो खुद बोल रहा था VC कि 8 लाख बंदा था, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, हमने ये बड़ी गलती की है देश लेकर, खुदा रहा हमारी हेल्प करो, प्लीज हेल्प करो हमारी, अब हेल्प करो, बोलो ना, तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियो आसानी से पहुंच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो।